स्वागत है सभी का फिर से रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज 02 इन्फिनिटी में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास टेंथ का 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा पेपर है और ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ध्यान रखेंगे ये स्टैंडर्ड नहीं, बेसिक वाला मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड वाला भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ऑलरेडी एक रिलीज हो चुका है और ये बेसिक है। और अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर कोड 430/1/1 और ये सेट वन है, बेसिक है। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा इजी होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप क्वेश्चन पेपर को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके, तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दो दो मिनट, तीन तीन मिनट का वीडियो होगा, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं वीडियो को। ओके, तो पहला क्वेश्चन ऊपर में फ्लैश हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, हमें निकालना है क्या, द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू को फाइंड करना है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 5x - 2k हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। थ्योरी वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा जो है पेपर में आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या कंडीशन होता है फिर से मैं अभी बता दूंगा। तो ये सब जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप सारा कुछ हो जाएगा और आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी क्लियर होता चला जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 5x - 2 है के, 3x² - 5x - 2k इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहां पे दो तीन चीज बात ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ये जो x² है इसमें कोफिशियंट जो है a वो कितना है, 3 है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। ध्यान से देखेंगे, ग्रेटर देन 0 है, b का कोफिशियंट जो है -5 है और c का जो कांस्टेंट टर्म है -2k है। तो इस तरह से हम लोग ए बी सी की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि x का पावर 2 है, यहां पे डिग्री इक्वेशन का 2 है, तो इसके दो रूट्स होंगे और दो रूट्स कैसे होंगे, या तो रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे। तो देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है। ये जो u का शेप है ये अपवर्ड की तरफ होगा, कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा तो ये अपवर्ड का केस होगा। लेकिन अगर यहां पे कोफिशियंट a के जगह 3 के जगह -3 मतलब नेगेटिव होता तो शेप कैसा होता ग्राफ का, ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता। ओके, तो यहां पे इस केस में ग्राफ का सिर्फ a लेस देन 0 का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अब देखिए रूट्स कह रहा है क्या क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो रियल के केस में ध्यान से समझेंगे यहां पे कि जो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रियल के केस में ये ग्राफ रियल और इक्वल के केस में ऐसा होगा। देखिए यहां पे दो एक्स की वैल्यू के कारण y की वैल्यू, ये y एक्सिस में वैल्यू है, ये x एक्सिस में वैल्यू है, दो x की वैल्यू के कारण y की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब यहां पे दो डिफरेंट रूट्स होंगे। इस केस में यहां पे सिर्फ एक x के जगह एक x की वैल्यू के कारण y की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि दो रूट्स है। तो ये जो जिस x के कारण ये 0 हो रहा है ये रिपीट कर रहा है, मतलब इक्वल रूट होगा। ओके, एक तो ये कंडीशन है और एक और कंडीशन आ सकता है कि ये ग्राफ को टच ना करे, ऊपर ऊपर ही निकल जाए। तो इस केस में कोई भी ऐसा x की वैल्यू नहीं होगा जिसके कारण, ठीक है, y की वैल्यू 0 हो। तो इस केस में जो ऊपर ऊपर अगर ग्राफ निकल जाता है, इस केस में रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। तो ये सारा का सारा फंडा हमारे पास, अगर हम लोग x इज इक्वल टू लिखते हैं फॉर्मूला क्या, -b + -√b² - 4ac / 2a। तो ये जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है b² - 4ac पे, इस वाले चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे, b²
माइनस फोर ए सी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो हो जाता, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, रूट्स क्या हो जाएगा माइनस बी ओवर, अगर जीरो होता है दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए, सिंगल रूट आएगा, मतलब ये रूट्स तो रियल है, रियल आएगा क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू रियल आ रही है, लेकिन इक्वल हो रहा है रूट्स, ठीक है। तो ये इक्वल वाला केस में आ गया, और क्वेश्चन भी हमारा यही पूछ रहा है कि हमें के का वैल्यू बताना है, जिसके कारण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसका जो रूट्स होगा रियल होगा और इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका रूट्स रियल एंड इक्वल होना है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स को रियल भी रखना है इक्वल भी रखना है, इसका मतलब है कि हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो करना होगा। रूट्स यहां पे नहीं पूछ रहा है, यहां के की वैल्यू को पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर, बी कितना है बच्चों यहां पे माइनस फाइव, सो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है बच्चों थ्री, थ्री इंटू सी कितना है बच्चों माइनस टू के, माइनस टू के, ये किसके बराबर होना चाहिए जीरो के बराबर होना चाहिए। एक बार ये चीज हमें समझ में आ गया तो यहां से के की वैल्यू निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों पच्चीस, और यहां पे माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा चार तिया बारह दुना चौबीस के इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है चौबीस के इज इक्वल टू माइनस 25, तो के का मान क्या आ गया माइनस 25 ओवर 24। तो यहां पे इस इक्वेशन में अगर के का मान माइनस 25 ओवर 24 डालेंगे यहां पे, अब जो इक्वेशन बनेगा उसका जो रूट निकलेगा वो रूट इक्वल होगा, मतलब इस वाली कंडीशन को फॉलो अप करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, यहां पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, अगर यहीं पे कहेगा कि डिफरेंट रूट क्या होना चाहिए, तो यहां पे जो हम लोगों ने निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिफरेंट रूट के लिए जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो यहां पे जो इक्वल का साइन है यहां ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। इस केस में जो अभी हमने निकाला है तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, और इस केस में चूंकि कोई भी रूट नहीं आ रहा है, रियल नहीं है, रियल नहीं है क्योंकि ये ऊपर ऊपर जा रहा है, कोई भी एक्स का मान ऐसा नहीं है जिसके कारण वाई का मान जीरो हो, तो इस केस में इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये वाला केस जो बनेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो निगेटिव होना चाहिए। क्यों निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक स्क्वायर रूट में निगेटिव अगर कोई नंबर आता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री, इसका मतलब क्या है ध्यान से समझिए कि यहां पे अगर मैं लिखूं कि यहाँ पे d इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस, मान लेते कोई भी निगेटिव नंबर लेते एट मान लेते, इसका मतलब है d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो निगेटिव नहीं, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे ये तो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे रियल नंबर में नहीं होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, काल्पनिक संख्या होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आपसे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछे तो ये सारा फंडा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर वन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें हमें फाइंड करना है एपी में कुछ टर्म्स, राइट, दो क्वेश्चन है और भी। तो पहला क्वेश्चन टू ए ऊपर में डिस्प्ले हो रहा होगा, चलिए क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द 36th टर्म ऑफ एन एपी, 36वां पद निकालना है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी का, ओके, हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टू टर्म आर माइनस थ्री एंड फोर रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अच्छे से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए यहां पे हमारे पास जो टी एन होता है, ठीक है, एनवा पद, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए, जहां ए प्रथम पद है पहला टर्म है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला टर्म ए कितना है
ए कितना है हमारे पास, पहला टर्म है -3, ठीक है, और दूसरा टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, ये दूसरा टर्म भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो कि कह रहा है 4 है। चलिए इस दोनों से डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2, तो डी को निकालने के लिए 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो हमारे पास डी बचेगा, तो 4 माइनस, यहां माइनस का साइन ध्यान में रखना, तो -3, तो कितना हो गया डी का मान हो गया 7, ठीक है। ए का मान हमें पता है, डी का मान हमें पता चल गया, अब हमें क्या निकालना है, एनवा पद मतलब 36वां पद मतलब T36 टर्म, तो n इज इक्वल टू, ऑटोमेटिकली यहां पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन में n इज इक्वल टू कितना हो गया 36, सो यहां पे हम a लिखेंगे कितना, a है -3, ओके, प्लस n -1, डेट इज 36 -1 इनटू d कितना है हमारे पास 7। कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे, गलती नहीं करना है, -3 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 7, सो -3 प्लस 7 5 35 के 5, हाथ में 3, ओके, और 7 21 और 3 21 3 24, 245, मतलब ये 200 कितना हो जाएगा बच्चों 42, तो 36वां पद क्या हो जाएगा 242 हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया। तो इसमें हमने देखा कि अगर पहला टर्म गिवन है दूसरा टर्म गिवन है तो यहां से हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें फाइंड है, और टीएन की वैल्यू, टीएन का फॉर्मूला लगा के हम लोग टीएन निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म है अगर 37वां है या 100वां है तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 का ए पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द एपी, ध्यान से देखेंगे, बी पार्ट में कह रहा है नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ एपी, और एपी गिवन है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है, √27, उसके बाद है √48, ध्यान से देखेंगे, और √75, √75, ओके। अब यहां पे एक टर्म आएगा और यहां पे एक टर्म आएगा, तो ये दोनों टर्म कह रहा है निकालने के लिए, ओके। अब देखिए 20 √27 को थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए, तो 3 3 9 3 27, 3√3 हो जाएगा, 3√3, देखिए क्यों, क्योंकि 3 अंदर जाएगा, 3 3 9 3 27, √48 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 4 4 16, 4√3, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, समझ में आ रहा है, √75, √75 क्या हो जाएगा, 50 25 या 75। अब देखिए ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, अगर डी निकालते हैं हम यहां पे कॉमन डिफरेंस, सो हमारा क्या हो जाएगा 4√3 -3√3, मतलब 4√3 में से 1√3 जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 4√3 -3√3, तो ये हो जाएगा हमारा √3, ओके। इसका मतलब क्या है कि √3 इससे अधिक होगा, दूसरा वाला टर्म इससे √3 अधिक होगा, 3 4√3 था और 1√3 और ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 5√3, तो नेक्स्ट टर्म जो हो जाएगा √75 + √3, नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला, ठीक है, सो √75 को 5√3 कर सकते हैं प्लस √3, तो 5 और 1 कितना हो गया 6√3, और ये क्या हुआ 6 को अंदर ले जाएंगे, ध्यान से देखेंगे 6 को अंदर ले जाएंगे तो 6 को 36 6 36 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा √108 हो जाएगा, 36 दिया 108, तो यहां पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 108, ठीक है, और अगेन 108 में ये जो आया 6√3 6√3, नेक्स्ट टर्म फिर से लिखना है तो इसमें एक और √3 ऐड कर लेंगे, या फिर टीएन का फॉर्मूला लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7√3, सो 7√3 को हम क्या कर सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 9 3 27 के 7, हाथ में 2 और 4 3 12 2 14, ठीक है, 9 3 27 के 7, हाथ में 2 और 3 4 12 2 14, 147, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी आप देख लेंगे, तो नेक्स्ट 2 टर्म हमारा आ गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कह रहा है इसमें एपी का डेफिनेशन पे क्वेश्चन, एपी क्या कहता है फिर से बताता हूं, एपी का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर पहला टर्म है तो
तो दूसरा टर्म लिख दिया हमने, पहला टर्म अगर हमने ए लिखा तो दूसरा टर्म इसमें कोई नंबर ऐड हो जाएगा डी। तो तीसरा टर्म में जो नंबर ये ऐड हुआ है ना, वही नंबर एक बार और ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी। चौथा टर्म जो पहले वाले टर्म था उसमें फिर से एक कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो वह ए प्लस थ्री डी। तो इसी तरह आप ध्यान से देखिए, पहला टर्म में कितना डी ऐड है, एक नहीं, पहला टर्म में जीरो, दूसरा टर्म में एक डी, तीसरा टर्म में टू डी, चौथा टर्म में थ्री डी। तो एनवा टर्म में ए में इससे एक कम डी ऐड होगा, एनवा टर्म में ए में एन माइनस वन इंटू डी ऐड होगा, यही टीएन का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, यही चीज हम लोगों ने यहां पे देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन पे क्वेश्चन है, आपको ये रिलेशन बहुत ही अच्छे से याद रखना होगा। देखिए, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी डेटा का, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज निकल के आता है, जनरली आपके सिलेबस में है। पहला होता है मीन, ठीक है, पहला होता है मीन कैसे निकालते हैं, दूसरा होता है मीडियन, मीडियन, एंड तीसरा होता है मोड, ठीक है, तीसरा होता है मोड। ओके, तो इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन पे ये सवाल है। सवाल ऊपर में आपको फ्लैश हो रहा होगा, और सवाल कहता है यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अभी हमने बताया तीन सेंट्रल टेंडेंसी है, फाइंड द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन whose mean is 169 and mode is 175. So, mean given है, कितना? Mean given है आपका 169, और mode given है यहां पे कितना? 175, ठीक है? तो यहां पे कह रहा है भैया बताओ कि median क्या होगा? तो suppose हम लोग मान लेते हैं कि median जो आएगा इस central tendency का, जिसका मीन 169 और मोड 175 है, वो एक्स है। तो कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन है इन तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में? सो देखिए, अगर हम मीडियन का तीन गुना करें, मीडियन का तीन गुना, ध्यान समझेंगे, तीन गुना ऑफ मीडियन इज इक्वल टू दो गुना ऑफ मोड प्लस एक गुना ऑफ मीन। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां से आप आराम से इस चीज को, इस रिलेशन को याद रख सकते, तीन गुना ऑफ मीडियन बराबर दो गुना ऑफ मोड, नहीं, दो गुना ऑफ मीन, यहां पे दो गुना ऑफ मीन प्लस एक गुना ऑफ मोड, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, तीन गुना ऑफ मीडियन इज इक्वल टू टू गुना ऑफ मोड मीन प्लस एक गुना ऑफ मोड। ये रिलेशन अगर आपको याद रहेगा तो आराम से हम निकाल सकते हैं, थ्री इंटू मीडियन को हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टू इंटू मीन का वैल्यू गिवन है 169 प्लस मोड 175, और सिंपल सा ये दो नंबर में दो, कितना इजी है। अगर रिलेशन याद है ना, आपको आराम से फ्री में नंबर मिल जाए, फ्री में क्या, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है। सो आप कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से, दो नंबर 18 जे 8 हाथ में एक, 8 6 दो 12 13 तीन हाथ में एक, 2 एक 2 एक 338 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 19 दो 8, ठीक है, प्लस 175, इसको ऐड करेंगे 8 5 13 3 हाथ में एक, और 7 1 8 3 11 इन हैंड 1, और 3 1 4 1 513 हो गया, ठीक है। फिर से 2 9 18 8 हाथ में एक, 2 8 16 1, 2 9 18 8 हाथ में एक, दो एक मिनट कुछ 2 9 18 8 हाथ में एक, 6 2 9 12 1 3 हाथ में एक, 2 1 2 1 3, ठीक है, प्लस 175, 8 5 13 3 हाथ में एक, 7 1 8 8 3 11 1 हाथ में एक, 3 1 4 513 हो गया। तो x जो आ जाएगा ये हो जाएगा 513 डिवाइड बाय 2, सॉरी
डिवाइड बाय यहाँ पे थ्री है, ठीक है, ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तीन से डिवाइड करते हैं, तीन से तीन एकम तीन, दो तीन सत्ते 21 और तीन एकम तीन, तो जो मीडियन आया, मीडियन जो हमें मीडियन निकालना था ना, सो वी हैव मीडियन, मीडियन आ गया हमारा 171, चलिए डाल देते हैं यहां पे 171। तो एक बार आपको ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से इस रिलेशन को मैं बता देता हूं, तीन गुना ऑफ मीडियन बराबर दो गुना ऑफ मीन प्लस एक गुना ऑफ मोड, आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये मॉडल मोड फाइंड करने पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को ऊपर तो फ्लैश कर दिया, बट क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ विलेज इज गिवन बिलो। तो एग्रीकल्चर होल्डिंग क्या होता है, कि कितना जमीन किसके पास है, ये कहता है, ठीक है। हमारा जो देश है वो गांव प्रधान देश है, ठीक है। तो क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारी देश की जो आत्मा होती है वो गांव में बसती है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि गांव ही सारा कुछ, मतलब जो कृषि प्रधान देश है तो गांव में कृषि होगा, और जो लैंड है हर एक आदमी के पास वो अलग अलग है। तो ये कह रहा है कि जो लैंड का साइज है वो फ्रिक्वेंसी, कितने फैमिली के पास कितना साइज का लैंड है, ये गिवन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर, अब जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड इन हेक्टेयर को हम लोगों ने क्लास दे दिया, मतलब एक से तीन हेक्टेयर के बीच, जो एक से तीन हेक्टेयर का जो जमीन होगा कितने आदमी के पास होगा, 20 आदमी के पास, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 20 आ गया। इसी तरह तीन से पांच हेक्टेयर कितने के पास होगा, 45 के पास। पांच से सात हेक्टेयर कितने आदमी के पास होगा, 80 आदमी के पास। सात से नौ कितने के पास होगा, 55 आदमी के पास, फैमिली के पास हम लोग कह सकते हैं। 9 से 10 एकर और कितने के पास होगा, 40 फैमिली के पास। और 11 से 13 कितने के पास होगा, तो ये हमारा 12 फैमिली के पास होगा। तो यहां पे कह रहा है कि बताओ जी इसका मोड क्या होगा, इस डेटा का मोड। अब समझिए ध्यान से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मोड क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हमारे पास लैंड इक्विजिशन बहुत कम है, लैंड जो है छोटा सा है, एक से तीन हेक्टेयर, तो फ्रीक्वेंसी कितना, कितने फैमिली के पास है, 20 फैमिली के पास। लेकिन अगर हम बढ़ते हैं, तीन से पांच में गए फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, पांच से सात में गए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, लेकिन सात से नौ के बाद घट गया, नौ से ग्यारह के बाद घट गया, और ग्यारह से तेरह के बाद घट गया। ये इसी तरह का बात हो गया कि जो एवरेज साइज है, वो एवरेज साइज ऑफ जो लैंड होगा वो ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज के पास होगा। तो इसका सेंट्रल टेंडेंसी, यहां पे हमें मोड निकालना है, राइट। तो मोड कहने का मतलब है कि किस, मतलब कितना जमीन जो है, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके पास ज्यादा अधिक होगा, मतलब कौन से पार्ट में जो लैंड होल्डिंग है वो सबसे अधिक होगा, किस फैमिली के पास, मतलब कितने होंगे। तो ये मोड को निकालना है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक एग्जांपल मोड पहले वाले में एक सूज का भी बताया था कि किस नंबर के साइज का सूज सबसे अधिक होता है। तो ये मोड निकालने के लिए बहुत सबसे इजी होता है मोड निकालना, क्यों, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल क्लास फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। मॉडल क्लास, एक बार अगर हम मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम सिर्फ मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, एल प्लस, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना होगा, एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एच क्या है और F1 क्या है, F0 क्या है, सभी अभी हम लोग देखेंगे। तो मॉडल क्लास क्या होता है, क्लासेस, क्लास हैव मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसका है, मतलब 80, यहां पे 80 से किसी का नहीं है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। कहने का मतलब है कि पांच से सात एकड़ जमीन सबसे ज्यादा अधिक फैमिली के पास होगा, क्यों, कितना है 80 है, तो ये हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा, ठीक है। अब मॉडल क्लास निकल जाने के बाद, मॉडल क्लास क्या हो गया हमारा, मॉडल क्लास
ये हो गया हमारा कितना, 5 to 7, 5 to 7। अब यहां से निकल जाने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहां पे मोड लगाएंगे, तो मोड इज इक्वल टू क्या हो गया, एल। एल क्या होता है बच्चों, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एल मतलब लोअर लिमिट, मतलब 5, ठीक है, 5, एल मतलब 5 प्लस। ध्यान से अब देखेंगे, अब यहां पे हमारा एफ वन है, एफ वन क्या है कि मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 80। सो 80, ठीक है, माइनस एफ वन जीरो, एफ जीरो एक से जस्ट पहले जीरो, मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चों, 45। तो यहां पे 45 हो गया, ठीक है। अब डिवाइड में 2 इंटू एफ वन, एफ वन मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, डेट इज 80 माइनस मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी 45, तो हो ही गया। और एफ टू क्या होता है, यहां पे एफ टू होता है मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है, 55। तो यहां पे हमें करना होगा 55 मल्टीप्लाई बाय। अब आ गया एच, एच क्या है, जो डेटा गिवन है ना, इस डेटा का साइज, क्लास साइज 1 से 3 मतलब क्लास साइज 2 है, 3 से 5 इसका भी क्लास साइज 2 है, 5 से 7 इसका भी क्लास साइज 2 है। तो ध्यान से देखेंगे क्लास साइज इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। सो क्लास साइज कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लास साइज को हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास साइज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट किसी भी क्लास का ले लेंगे, यहाँ पे अगर इसका लेते हैं तो 7 माइनस 5, तो ये क्लास साइज 2 हो गया। अब इसी को ही कैलकुलेट करना, कर लेते हैं, चलो जी। 5 प्लस 80 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 35, और 80 दुना 160 हो गया ये, ठीक है। और 55 और 45 कितना हो गया बच्चों, 100 हो जाएगा, यस ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2। सो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 35 डिवाइड बाई कितना हो गया ये, 60 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया ये, 2। समझ में आ रहा है, 5 प्लस 35 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2। चलो जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 35 गुना 70 डिवाइड बाई 35 गुना 70 डिवाइड बाई 60, ठीक है। अब ये कट जाएगा, काट दिया, कैलकुलेशन फिर से देख लें, 80 माइनस 45 35, 80 दुना 160 माइनस 45 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 100, 160 में से 100 गया 60, 35 गुना 70 लोअर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट इसका 5 है, कर लिया। अब ये हमें आ जाएगा 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 1, 6 वन जा 6, ध्यान से देखेंगे 6 वन जा 6 बचेगा कितना, 1, 1 में 0 10, 6 वन जा 6 बचा कितना, 4 में 0 1 4 में 1 0 40, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 जा 36 ये आगे चला जाएगा, तो ये हो गया 6.61 है, 5 6 6 6.166, ये हो गया मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है 6.616 मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे मीनिंग समझिए, ठीक है, क्वेश्चन तो सवाल सॉल्व तो हो गया, हमारा आंसर आ गया, आप चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर चेक कर कहीं पे मिस्टेक हुआ तो आप उसे भी चेक कर लेना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा 6.161 जो एकर होगा, मतलब जो एरिया होगा साइज का, ये सबसे ज्यादा फैमिली के पास होगा, ठीक है। 6.16 यहां पे यूनिट क्या गिवन है, हेक्टेयर, इतना हेक्टेयर का जमीन सबसे ज्यादा होगा, मतलब सबसे ज्यादा फैमिली के पास होगा। दिस इज द मोड, मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी क्लास के लिए होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या रिलेशन है मीडियन में, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड, उसे भी याद रखना है। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉट नेक्स्ट क्लास में, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में तो टाइम लगेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
बेसिक का पेपर है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको. द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, बिटवीन टू टेंजेंट्स पैरेलल टू ईच अदर ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस. अब एक वृत्त हमें ड्रॉ करना है, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया और इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करना है. चलो जी, दो टेंजेंट कैसे करना है? दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. दोनों टेंजेंट क्या होना चाहिए? पैरेलल. तो एक टेंजेंट को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया. क्योंकि दोनों टेंजेंट है, पैरेलल है, सर्कल पे टच करेगा तो ये कहीं कट नहीं करेगा. कह रहा है कि इस दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों? ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर. कितना है? 13 सेंटीमीटर. अब यहां पे देखेंगे, क्या देखेंगे यहां पे कि चूंकि टेंजेंट क्या है, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट और ये हमारा सर्कल का सेंटर हो जाएगा, तो सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा. तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा, कहां से पास करता है? वो सेंटर से पास करता है. इसका मतलब है, यहां पे अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट पासेस थ्रू, कहां से पास करेगा? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सर्कल पे टेंजेंट है, उस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये भी लिख देते हैं. इतना ही देखने के बाद आपको जो है ना, जो एग्जामिनर है, पूरे का पूरे नंबर मन हो जाएगा उसको दे दे. लेकिन आपको स्टेप तो शो करना पड़ेगा, आंसर को निकालना पड़ेगा, लेकिन ये खुश हो जाएगा इतना में, ठीक है. और अगर आप ऐसे लिख देते हैं पेपर में इतना चीज, तो वो एग्जामिनर आपके पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से चेक करेगा. अगर कहीं पे माइनर मिस्टेक भी होता है ना, तो वो इग्नोर कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि जो कैंडिडेट है उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है. तो चूंकि परपेंडिकुलर सेंटर से पास करेगा, और कोई भी लाइन जो कि सेंटर से पास करता है और दोनों तरफ बढ़ाएंगे, सर्कल पे कट करेगा, तो वो क्या हो जाता है हमारा बच्चों? डायमीटर. और दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर. दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कल गिवन है 13 सेंटीमीटर. एंड वी नो दैट डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ आर. डायमीटर जो है रेडियस का दो गुना होता है. सो डी इज इक्वल टू 2R. हेंस वी कैन राइट हियर 2R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो R इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर. यूनिट ध्यान में रखना 6.5 सेंटीमीटर. ये आंसर आ गया. इसलिए मैं कह रहा था कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, ये तो डायमीटर गिवन है. डायमीटर का आधा कितना होता है? सर्कल डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस. 13 का आधा 6.5, यही तो हमारा रेडियस होगा. आ गया आंसर. बट थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट अगर पेपर पे लिखते हैं ना अच्छे से, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है. ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 6, दो पार्ट में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है. कर्व सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर फ्लैश हो रहा है, 6 का ए दोनों कर लेंगे अभी हम लोग. 6 का ए कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, किसका? राइट सर्कुलर कोन का. कोन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गया हमारा कोन, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया. राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस पे, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, शंकु कहते हैं. और क्या निकालना है हमें? कर्व सर्फेस एरिया. कर्व सर्फेस एरिया का मतलब क्या है? इसमें अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो तरह का सरफेस आएगा कोन में, शंकु में, जो आइसक्रीम वाला होता है अगर ये सॉलिड है. एक सरफेस जो होता है कि ऐसे कॉर्नर गोला टाइप का होता है, और एक सर्कल, एक सरफेस सर्कल के टाइप का होता है. तो यहां पे हमें गोला, ऐसे गोलाकार जो सरफेस होगा, ठीक है, उसका निकालना, सर्कल का नहीं निकालना, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है.
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ कर्व सरफेस मतलब सर्किल वाला नीचे वाला जो एरिया आएगा ये वाला, इसे हमें नहीं निकालना, ये वाला एरिया जो गोला टाइप का होगा, गोलाकार टाइप का होगा, उसे निकालना है, राइट सर्कुलर कोन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन के लिए जो हमारा रेडियस है, ये रेडियस गिवन है आर, आर कितना गिवन है बच्चों, रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है h, इसको हम लोग हाइट कह लेते हैं, ये जो h है ये है हमारा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन तो हमें पता है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है क्या, किसका, राइट सर्कुलर कोन का, नहीं पता है तो आपको याद रखना है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज पाई इंटू आर इंटू एल, वेयर आर क्या है हमारा रेडियस, आर क्या होता है रेडियस, जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर, और एल क्या होता है, एल होता है स्लैंट हाइट, नॉट अ हाइट, स्लैंट हाइट। अब ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होता है बच्चों, ये वाला एल होता है, ये यहां से यहां तक, चलो जी इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी पे 90 डिग्री, और ये हो गया सी। चलो जी एक त्रिभुज यहां पे बना लेते हैं इस तरह से, स्लैंट हाइट निकालने के लिए, ये राइट सर्कुलर कोन है। अब पता समझ में आ गया क्यों क्यों राइट लिखा, यहां पे डायरेक्ट कोन भी लिख सकता था, बेसिकली राइट लिखने का मतलब है कि ये जो कोन है यहां पे एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और आपको बता रहा है क्वेश्चन से कि ये एच है, ये आर है, और ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन से बता रहा है कि चलो जी आप एल निकालो इसमें, क्वेश्चन ही कह रहा है आपको कि आपको विकर्ण निकालना है समकोण त्रिभुज का, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन आपको कहता है कि आप क्वेश्चन करके बताओ मुझे। यहां पे अगर राइट नहीं लिखता फिर भी क्वेश्चन वैध होता, क्वेश्चन सही होता, लेकिन क्वेश्चन में राइट लिखने का मतलब है कि आपको कह रहा है एल निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि एल से एक और कॉन्सेप्ट आपको आएगा, और वो कॉन्सेप्ट है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, और पाइथागोरस से भी पहले इसे एक अलग नाम से जाना जाता था, मतलब ये जो थ्योरम उसका कॉरोलरी है, और उसे हम बुधायन थ्योरी कहते हैं, आप एनसीईआरटी के बुक में जाकर देखें, तो पाइथागोरस थ्योरम ये जो रिलेशन है ये इससे पहले, पाइथागोरस से पहले ही हमारे इंडियन ने दे दिया था, ठीक है। सो एल निकालना है, सो वी हैव एल इज इक्वल टू अंडर रूट, अंडर स्क्वायर है तो अंडर रूट आ जाएगा 15 का स्क्वायर तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 4 9 6 2 8 और 289, 289 किसका स्क्वायर रूट है, याद रखना पड़ना है, याद रखना होगा 17 का स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास L की वैल्यू कितना गया 17 सेंटीमीटर कर लिया हमने। अब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, निकाल लेते हैं। पाई का मान अगर हमें यहां पर देखना है तो कह रहा 22/7 यूज करो जी, 22/7 कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है, आर कह रहा है जी 8 यूज करो, कर लिया जी, और एल कह रहा है 17 यूज करने के लिए, 17 यूज कर लीजिए यहां पे आर को, ठीक है, हो गया, आ गया। अब इसी को ही कैलकुलेट करना है, तो यहां तो कुछ कट नहीं रहा, तो आप एक बार इसे कैलकुलेट कर ले। सो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, इसको 3.14 कर लेती है, ठीक है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 8 7 56 6, हाथ में 5 और 8 1 8 5 13 136, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर निकल जाएगा, आप इतना कर लें, ठीक है, आपको समझ मतलब आप आंसर निकाल लें, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ कैलकुलेशन करने। तो इस तरह से हम लोग राइट सर्कुलर कोन का निकाल सकते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कर्व सरफेस एरिया हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कर्व सरफेस एरिया शंकु का निकालते हैं। इसी का बी पार्ट है, अभी बी पार्ट करेंगे। 6B बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगेन यहाँ पे यूज करना, 22 इज इक्वल टू 22/7 देखते हैं कैलकुलेशन में, अगर कट जाता तो ठीक है यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर से आपको कैलकुलेट करना होगा द सरफेस एरिया। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है और ना ही टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया क्वेश्चन देखिए वहां पे बता रहा है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल, एक सर्कल होता है वो 2 डायमेंशन होता है, यहाँ पे स्फीयर जो टेनिस बॉल होता है उस तरह का स्फीयर एज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो अगर हम एक स्फीयर को ड्रॉ करें, ये हमारा स्फीयर हो गया, ये दिखाने के लिए हो गया कि एक टेनिस बॉल है, स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है। तो यहां पे जो सरफेस है स्फीयर का वो सिर्फ और सिर्फ इसको ये गोलाकार जो होगा चारों तरफ का सरफेस वही होगा जिसपे हम जिसे मान सपोज कीजिए कि जिसे हम रंग सकते हैं वही हमारा सरफेस है। तो यहाँ पे इसे कर्व सरफेस एरिया कह ले या टोटल सरफेस एरिया कह ले या दोनों में से हम ये कह दे कि सरफेस एरिया, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लैट सरफेस एरिया नहीं है। टोटल सर्फेस एरिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल सर्फेस एरिया तब कहते हैं जब कर्व सर्फेस एरिया भी हो, और जैसे कि कोण में होता है टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया भी हो और फ्लैट सरफेस एरिया भी हो। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर सीधा बोला कर्व सरफेस एरिया CSA ये गिवन है किसका, स्फीयर का, कितना है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, याद रख लेना फॉर्मूला को, ठीक है, इज इक्वल टू 4 गुना किसका, सर्किल का स्क्वायर, जो सर्किल का एरिया होगा उसका 4 गुना। ध्यान से समझेंगे, मतलब रिलेशन नहीं है लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूं कि सर्किल का जितना एरिया होता है ना उसका 4 गुना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कभी कभी पूछता है कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में दो चीज आ जाएगा, एक तो ये वाला सर्फेस आ जाएगा और एक सर्किल का आ जाएगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में अगर हम यहां पर लिख देते हैं कर्व सर्फेस एरिया, अब यहां पर दो सर्फेस आ जाएगा, हेमिस्फीयर में कर्व सर्फेस एरिया कितना होगा, ये 4πr² था तो ये 2πr² हो जाएगा उसका आधा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक फ्लैट सरफेस भी बनेगा सर्कुलर टाइप का, काट कर देखेंगे तो फ्लैट सरफेस तो एरिया जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस एक सर्कल का एरिया यहां पे जो सर्कल बनेगा काटने के बाद, दैट इज πr². तो इस तरह से फॉर्मूला ये क्या बनेगा 3πr² यहां पे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसकी जरूरत यहां इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है 4πr² किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, या यहां पे हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया यहां पे है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व नहीं लिखना है हमें, सरफेस एरिया बता दिया क्यों नहीं लिखना है। सो दिस इज 616, 4πr² इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां से हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/4π, पाई का कह रहा है कि चलो जी आप इसका यूज कर लो 22/7, तो 22 इधर करेंगे बटा में 7 करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए अब इसको काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं, 11 × 2 = 22, 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 0 × 2 = 8, 16, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा क्या, देखते हैं, 4 से कट जाएगा क्या, 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 4, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 154 आ गया, फिर क्या ये कट जाएगा, काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 70 आ गया, 11 × 11 = 11, 11 × 7 = 77, 7 × 7 आ गया जी, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7, आर इज इक्वल टू √7 × 7, तो आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट में आएगा, और यहां से सेंटीमीटर का स्क्वायर का एक स्क्वायर हट जाएगा, जो सेंटीमीटर का रूट करेंगे तो सेंटीमीटर बचेगा। इस यूनिट को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट के लिए। सो रेडियस इस क्वेश्चन का आ जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे कर्व सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, टोटल सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में पता चल गया होगा। बहुत कुछ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
6B बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन यहाँ पे यूज करना π = 22/7, देखते हैं कैलकुलेशन में अगर कट जाता तो ठीक है यूज कर लेंगे, नहीं तो फिर से आपको कैलकुलेट करना होगा। द सर्फेस एरिया, अब यहाँ पे कर्व सर्फेस एरिया नहीं पूछ रहा है, आना ही टोटल सर्फेस एरिया पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर्फेस एरिया। क्वेश्चन देखिए वहां पे बता रहा है सर्फेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, 3D, एक सर्कल होता है वो 2D होता है, यहाँ पे स्फीयर जो टेनिस बॉल होता है उस तरह का स्फीयर, एज 616 square centimeter square, फाइंड इट्स रेडियस। तो अगर हम एक स्फीयर को ड्रॉ करें, ये हमारा स्फीयर हो गया, ये दिखाने के लिए हो गया कि एक टेनिस बॉल है, स्फीयर है, ठीक है। तो स्फीयर का रेडियस हम लोग ले लेते हैं आर, ठीक है। तो यहां पे जो सरफेस है स्फीयर का वो सिर्फ और सिर्फ इसको ये गोलाकार जो होगा चारों तरफ का सरफेस वही होगा जिसपे हम जिसे मान सपोज कीजिए कि जिसे हम रंग सकते हैं वही हमारा सरफेस है। तो यहाँ पे इसे कर्व सरफेस एरिया कह ले या टोटल सरफेस एरिया कह ले या दोनों में से हम ये कह दे कि सरफेस एरिया, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लैट सरफेस एरिया नहीं है। टोटल सरफेस एरिया कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तब कहते हैं जब कर्व सरफेस एरिया भी हो और जैसे कि कोण में होता है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी हो और फ्लैट सरफेस एरिया भी हो। तो यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ तो सीधा बोला कर्व सरफेस एरिया CSA ये गिवन है किसका, स्फीयर का, कितना है 616 square centimeter, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, याद रख लेना फॉर्मूला को, ठीक है, इज इक्वल टू 4 गुना किसका, सर्कल का स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होगा उसका 4 गुना। ध्यान से समझेंगे, मतलब रिलेशन नहीं है लेकिन फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहा हूं कि सर्कल का जितना एरिया होता है ना उसका 4 गुना होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कभी कभी पूछता है कि हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर में दो चीज आ जाएगा, एक तो ये वाला सर्फेस आ जाएगा और एक सर्किल का आ जाएगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में अगर हम यहां पर लिख देते हैं कर्व सर्फेस एरिया, अब यहां पर दो सर्फेस आ जाएगा, हेमिस्फीयर में कर्व सर्फेस एरिया कितना होगा, ये 4πr² था तो ये 2πr² हो जाएगा उसका आधा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक फ्लैट सरफेस भी बनेगा सर्कुलर टाइप का, काट कर देखेंगे तो फ्लैट सरफेस तो एरिया जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² प्लस एक सर्कल का एरिया यहां पे जो सर्कल बनेगा काटने के बाद, दैट इज πr². तो इस तरह से फॉर्मूला ये क्या बनेगा, 3πr² यहां पे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इसकी जरूरत यहां इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत है 4πr² किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, या यहां पे हम कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, ठीक है। सो कर्व सरफेस एरिया यहां पे है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कर्व नहीं लिखना है हमें, सरफेस एरिया बता दिया क्यों नहीं लिखना है। सो दिस इज 616, 4πr² इज इक्वल टू 616 centimeter square, और यहां से हमें फाइंड करना है आर की वैल्यू। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616/4π, पाई का कह रहा है कि चलो जी आप इसका यूज कर लो 22/7, तो 22 इधर करेंगे बटा में 7 करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। चलिए अब इसको काटने का कोशिश करते हैं, ठीक है, 2 से काटते हैं, 11 × 2 = 22, 2 से काटते हैं, 2 × 3 = 6, 0 × 2 = 16, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा क्या, देखते हैं, 4 से कट जाएगा क्या, 2 से काटते हैं, 2 × 2 = 4, 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 154 आ गया, फिर क्या ये कट जाएगा, काटते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 77 आ गया, 11 × 11, 11 × 7 = 77, 7 × 7 आ गया जी, देखो r² = 7 × 7, r √7 × 7, तो r कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे r जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट में आएगा और यहां से सेंटीमीटर का स्क्वायर का एक स्क्वायर हट जाएगा, जो सेंटीमीटर का रूट करेंगे तो सेंटीमीटर बचेगा। इस यूनिट को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट के लिए। सो रेडियस इस क्वेश्चन का आ जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, टोटल सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा, हेमिस्फीयर का
सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के बारे में पता चल गया होगा। बहुत कुछ हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 दो पार्ट में है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया है, थ्योरी पार्ट था अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसमें, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें ना थोड़ा थ्योरी और देखना होगा। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे छोटा छोटा जो थ्योरी होता है उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ x is equal to 3 इज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + px + 30 दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7a, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट x है, सो लेट रूट्स आर रूट्स जो है रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहां पे अल्फा एक रूट गिवन है जो कि x इज इक्वल टू 3 है, तो हम लोग लिख लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू को फाइंड करना है, एंड अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दूसरा रूट क्या होगा p, ये फाइंड करना है, और क्वेश्चन में यहां पे p है ये फाइंड करना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर, स्टैंडर्ड लेवल से थोड़ा सा नीचे का है, ठीक है। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और अल्फा और बीटा रूट्स के टर्म में आता है, ठीक है, सो उस केस में हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ना, ठीक है, इसको 1 बना लेना। अगर बना लेते हैं तो अच्छा, नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग यूज कर लेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 बना रहा हूं मैं अभी यहां पे, पी बाई 2 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि 2 से डिवाइड किया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 0 डिवाइड बाई 2 तो ये 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करें या ऐड करें या कुछ भी करें, दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करें तो फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा एक्सियम है, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, ठीक है, ये चीज आ गया हमारा, ठीक है। अब यहां पे चूंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, हमने कहा कि इस इक्वेशन का रूट अल्फा प्लस बीटा है, तो इक्वेशन ए हो गया और इक्वेशन बी, ये दोनों आइडेंटिकली क्या हुआ, सेम हुआ, क्योंकि सेम इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमने पी के टर्म में लिखा और इस इक्वेशन को हमने अल्फा प्लस बीटा के टर्म में लिख लिया। अब चूंकि सेम इक्वेशन है तो कोफिशियंट भी सेम होगा, तो इसका कोफिशियंट तो ऑलरेडी 1 है, इसका कोफिशियंट ऑलरेडी 1 है, एक्स का कोफिशियंट भी सेम होगा और कांस्टेंट टर्म भी सेम होगा। तो चलिए कोफिशियंट क्या है हमारा, पी बाई 2 एक्स का, इसमें दिस इज इक्वल टू, यहां पे कोफिशियंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कोफिशियंट हमने एक्स का सेम कर लिया और कांस्टेंट टर्म 15 बराबर अल्फा इंटू बीटा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए। ध्यान से देखेंगे बी कितना है, माइनस पी डिवाइड बाई 2, ठीक है, और यहां सी कितना है, 30 डिवाइड बाई 2, तो ये 15 हो जाएगा। तो दोनों चीज सेम आ रहा, ध्यान से देखेंगे, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं या थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी यूज कर सकते हैं। आई होप अगर कोफिशिएंट 1 करते हैं आप इस तरह से यूज करेंगे तो कुछ अलग सा फील होगा, ठीक है। p बाई 2 हमें क्या निकालना है,
पी की वैल्यू और हमें क्या निकालना है बीटा की वैल्यू। तो पहले यहां पे हमारे पास अगर इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन टू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन टू, टू हम लोग टू पहले देखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू पता है और यहां से अल्फा का वैल्यू जैसे ही हम इस क्वेश्चन में रखेंगे बीटी की वैल्यू आ जाएगा। सो 15 इज इक्वल टू अल्फा इज 3 इनटू बीटा, हेंस बीटा इज इक्वल टू 15 ओवर 3, सो बीटा की वैल्यू आ गया 5। तो दूसरा रूट हमें 5 मिल गया। अब हमें पी का वैल्यू निकालना है, पी का वैल्यू यहां से निकल सकता है। सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पी बाई टू इज इक्वल टू माइनस अल्फा 3 प्लस बीटा 5, दैट इंप्लाइज पी बाई टू इज इक्वल टू माइनस 8, हेंस पी इज इक्वल टू माइनस 16। तो पी का वैल्यू भी हमारे पास माइनस 16 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ कुछ पार्ट्स हमेशा इसी तरह से पूछा जाता है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ना तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर्च कीजिए, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब्सक्राइब करने के बाद अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं या आप सर्च कीजिए कुछ भी, उसमें जो भी टॉपिक आपको देखना है तो वहां पे आपको उसका मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको लेक्चर मिल जाएगा थ्योरी वाले पार्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो गया, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7B, चलिए क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ, लंबाई दे रखा है किसका, रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क हम बना रहे थे, क्वेश्चन पर फ्लैश हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ये हमारा, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। इसका जो लेंथ कह रहा है ये 5 मीटर है, ठीक है। तो ये लेंथ हमारा 5 मीटर है, 5 मीटर भी लिख लेते हैं यहां पे। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट अगर छूट गया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 5 मीटर और क्या कह रहा है, नहीं ध्यान से पढ़ेंगे, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू बी। ब्रेथ मान लेते हैं कि बी है, तो जो लेंथ है यहां पे क्या है अभी लिखते हैं यहां पे। तो फ्रॉम क्वेश्चन लेंथ जो होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज, अब देखिए 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के 2 गुना से 5 अधिक है। तो चौड़ाई क्या है, बी है, इसका 2 गुना 2b प्लस 5 इतना होगा। सो 2b प्लस 5, ठीक है, ये होगा मीटर में। तो हमारा ये बन जाएगा मीटर और ये भी मीटर हो जाएगा, ये भी मीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अब कह रहा है इफ, अगर एरिया ऑफ पार्क, जो पार्क है इसका क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है, इज 250 स्क्वायर मीटर, मतलब ये जो एरिया है ए, ए इज इक्वल टू 250 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, एल और बी क्या होगा। तो यहां से हम लोग यहां पे पहले लिख लेते हैं, एल क्या हो जाएगा 2b प्लस 5, अभी अभी हमने देखा। सो एरिया, क्षेत्रफल जो होगा रेक्टेंगुलर का, वो एल इंटू बी होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये 250 मीटर स्क्वायर है। चलो जी 250 अभी यूनिट छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लेंथ कितना है 2b प्लस 5, 2b प्लस 5 इंटू ब्रेथ कितना है बी, इज इक्वल टू कितना हो गया 250,
और ये हमारा बन जाएगा 2b into b, तो 2b² + 5 into b, 5b = 250। एक तरह का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, डेट इज 2b² + 5b - 250 = 0, राइट? ओके, समझ में आ रहा है? 2b² + 5b - 250 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक तो तरीका है, अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, बार बार मैं बता रहा हूं, b² - 4ac / 2a। यहां से अगर कैलकुलेशन अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहां पे जो इक्वेशन आया इसको हम जनरली इस तरह के इक्वेशन को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करते, बीच वाले टर्म को दो भाग में तोड़ देते हैं। इस तरह से तोड़ेंगे कि उसका अगर हम गुना करेंगे तो लास्ट वाला कॉन्स्टेंट टर्म और पहला वाला जो टर्म है उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ 250 है और यहाँ पे 2 है, कितना हो गया 500। 5 को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, जो माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो -500, मतलब 5 को दो भाग में तोड़ो, -25 + 20, ऐड करेंगे -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 250 सॉरी 500। सो वी कैन राइट हियर 2b² - 20 + 25b - 20b + यहां पे -250 सॉल्व कर रहे हैं अभी, सो दिस इज इक्वल टू 0। देखिए 25b - 20b कितना हो गया 5b, और 25b * 20b कितना हो जाएगा 25 * 20, 500, b² - b² क्योंकि माइनस साइन है माइनस, और यहां पे अगर ए ये वाला पार्ट और इस वाला पार्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5, तो ये -500 b² हो जाएगा। तो ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब हम इस कोई भी दो टर्म को ले लेंगे, तो यहां से हम लोग देखते हैं 2b² और 25b, तो इसमें से हम बी को मन ले लेते हैं, कर ले लें तो बचेगा क्या 2b + 25। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम ले लेते हैं ये कितना हो गया हमारा क्या क्या कॉमन यहाँ पे बी कॉमन लिए, तो 2b कॉमन लिए ना, हाँ 2b + 25, और यहां से अगर हम 20 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 20 कॉमन लेंगे तो यहां से हमें बच जाएगा, या 20 नहीं 10 कॉमन लेते हैं, 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 20 + 25, 2b + 25 = 0। क्यों ऐसा लिए, यहां 20 कॉमन ले सकते थे, ठीक है, नहीं 10 कॉमन ले लिए, 10 कॉमन लिए तो ये जो 2b है इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, ठीक है। सो अब यहां पे दोनों में 2b + 25 है, सो 2b + 25 * बच गया क्या फर्स्ट में b, सेकंड में b - 10 = 0। तो यहां पे आके हमें दो फैक्टर मिला, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये, या तो 2b + 25 = 0 या फिर b - 10 = 0। जब 2b + 25 = 0 करते हैं तो b का मान -25/2 हो जाएगा, b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जो लेंथ होता है या ब्रेथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, 0 नेगेटिव नहीं होगा, ये कैन नॉट बी लेस देन 0, कैन नॉट बी लेस देन 0, नेगेटिव नहीं होगा। तो बच गया क्या b - 10 = 0, दैट इज b = 10। यूनिट लगा लेंगे तो यहां पे लिखेंगे b = 10 मीटर, सो b = 10 मीटर, और लेंथ अगर हमें निकालना होगा तो लेंथ क्या है 2b + 5, तो 2 × 10 मतलब 20 5 25, तो ये 25 मीटर। दोनों के स्क्वायर करें एरिया निकल जाएगा 250, 10 × 25 250 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत इजी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के लिए, किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर रूट निकाल लें। हालांकि ये वाला जो चीज है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, तो उसमें मिस्टेक्स होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से एपी का क्वेश्चन आ गया आपके पास बच्चों, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, प्रथम 16 टर्म का सम निकालना है, ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय
ए एन इज इक्वल टू फाइव एन माइनस थ्री. एन एफ टर्म गिवन है ए एन इज इक्वल टू फाइव एन माइनस क्या है थ्री. ठीक है, और क्या निकालना है, सम निकालना है कितने टर्म का, 16 टर्म का, ये निकालना है. चलो जी, देखिए जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो एक समेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो जो SN होता है, SN जो होता है वो समेशन ऑफ TN होता है. ठीक है, समेशन ऑफ TN होता है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ TN के जगह हम लोग 5N माइनस 1 का 3 कर लेंगे, और ये आगे चल के क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला लग जाएगा समेशन ऑफ n का और समेशन ऑफ 3 का, तो उसमें n की वैल्यू फिर पुट करना, मतलब n के टर्म में आ जाएगा आपके पास, फिर n के जगह 16 पुट करना, तो ये हायर क्लास का चीज हो गया. लेकिन अभी आपके लेवल पे अगर समेशन कह रहा निकालने के लिए, जोर कह रहा निकालने के लिए एपी के लिए, तो एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टी एन टर्म. ठीक है, तो टी एन टर्म से क्या करेंगे हम, एन इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू टू पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, और पुट करने के बाद सारे टर्म्स को लिखेंगे. सारे टर्म्स कहने का मतलब तीन से चार टर्म्स को लिखेंगे. ऐसा करने से क्या क्या मिल जाएगा हमें वो देखते हैं. सो अगर ए वन एन इज इक्वल टू वन पुट करें तो फाइव मल्टीप्लाई बाई वन माइनस थ्री, तो पांच माइनस तीन ध्यान से देखेंगे तो बच के बन गया दो. ए टू अगर हम करें पांच मल्टीप्लाई बाई टू माइनस थ्री, सो दस मल्टीप्लाई बाई थ्री क्या बन गया सेवन. ए थ्री इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा पंद्रह माइनस तीन क्या बन गया बारह. ए फोर इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस थ्री क्या हो गया बीस माइनस तीन क्या बन गया हमारा सत्रह. अब ये जो नंबर आए ना, इसको जरा आप इस तरह से लिखेंगे सेवन टू सेवन ट्वेल्व और सेवनटीन और डॉट डॉट, तो ये हमारा एपी आ गया. तो यहां पे एन देने का मतलब है कि आपको एपी दिया. ठीक है, एपी दिया, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे से कि आप एपी खुद से फॉर्म करो. एपी मिल गया, क्यों एपी मिल गया कि अगर इस दोनों बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना बच्चों पांच है, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो पांच है, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो पांच है, नेक्स्ट टर्म भी लेंगे तो क्या आ जाएगा बाईस आ जाएगा, तो उसके बीच भी पांच होगा. तो एपी में फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया कितना, फर्स्ट टर्म टू. ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी कहते हैं ये भी आ गया कितना फाइव. एन कितना कह रहा क्वेश्चन में एस एन सिक्सटीन, एन का मान कितना है सिक्सटीन, सिक्सटीन कर लिया, आ गया सारा कुछ. अब क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है. सो सम ऑफ एपी इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सारा कुछ है हमारे पास. सो एस सिक्सटीन इज इक्वल टू, तीन नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर का क्वेश्चन इसलिए है कि सम का दो नंबर और एपी बनाने का एक नंबर, तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू ए कितना है बच्चों दो प्लस यहाँ पे n की जगह 16 लिखेंगे माइनस वन इंटू डी कितना आ रहा है हमारा, d आ रहा है कॉमन डिफरेंस पांच, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पांच. ठीक है, तो ये हो गया आठ, ये हो जाएगा दो दुना चार प्लस पंद्रह मल्टीप्लाई बाई पांच, समझ में आ रहा है. सो दिस इज आठ इंटू चार प्लस पंद्रह बचे पचहत्तर सेवेंटी फाइव. ठीक है, पहाड़ा भी याद रखना होता है, एट मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा सेवेंटी नाइन, जोड़ दे, और जोड़ने के बाद क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं आठ नौ बहत्तर के दो हाथ में सात, आठ सत्तर छप्पन और सात तिरसठ सिक्सटी थ्री. तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए पहाड़ा भी याद होना चाहिए, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेंगे, आठ नौ बहत्तर के दो हाथ में सात, आठ सत्तर छप्पन और सात सिक्सटी थ्री. तो जो सम आया एस सिक्सटीन ये आ गया 632. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, तीन नंबर का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया. चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10 पे. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस का ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन, मैं हिंदी में बोल रहा हूं और इंग्लिश में भी, जिस जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उसके लिए भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं चलिए उसके लिए भी हो जाएगा. क्वेश्चन कह रहा है टू पोल ऑफ हाइट 25 मीटर एंड 35 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. दो पोल है
जो कि ग्राउंड पे खड़ा है और दोनों पोल का वर्टिकली, मतलब वर्टिकली कहने का मतलब ग्राउंड से ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो इनक्लाइंड कहता, ठीक है। तो वर्टिकली कह रहा है ऑन द ग्राउंड और दोनों पोल का हाइट गिवन है। तो जब भी आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन आए, तो आप सबसे पहले नीट एंड क्लियर स्वच्छ फिगर बनाए, आकृति बनाए। चलिए, ये हमने ग्राउंड को ड्रॉ किया, एक टावर एक ड्रॉ किया यहां पे, ऐसे क्या है, टू पोल है, एक पोल ये ड्रॉ कर लिया और एक पोल, एक और पोल ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एक पोल का नाम हम दे देते हैं यहां पे ए बी, और दूसरा पोल का नाम दे देते हैं सी और डी। वर्टिकली है, अगर ये ग्राउंड है तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। देखिए, एक स्टेटमेंट से हम लोग ने इतना चीज कर लिया और साथ में दोनों का हाइट गिवन है। छोटे वाले का 25 मीटर लिख लेते हैं, 25 मीटर, और बड़े वाले का 35 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का क्रैकिंग, ओके। हमने फर्स्ट लाइन को फिगर पे ड्रॉ कर दिया। द टॉप ऑफ टू पोल्स आर कनेक्टेड बाई अ वायर। अब कह रहा है कि ये दोनों जो टॉप है, इस पोल को यहां पे ले लेते हैं, दोनों किसे कनेक्ट है, वायर से, एकदम सीधी वायर से कनेक्ट है, ठीक है। विच इज इंक्लाइंड टू द होरिजोनटल एट एन एंगल 30 डिग्री। अब कह रहा है कि होरिजोनटल, ये जो है ग्राउंड, ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे, ये होरिजोनटल हो जाएगा, और ये इंक्लिनेशन कह रहा है जो उन्नयन कोण, यहां पे हम कहेंगे इंक्लाइंड होरिजोनटल एट 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ओके। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, इस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं एल। तो ये लेंथ ऑफ वायर कह रहा है कि बताओ जी लेंथ ऑफ वायर क्या है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, और इस पोल और इस पोल के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, ये होरिजोनटल है, इस होरिजोनटल पे ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि वर्टिकली है। इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या हो गया, ए बी सी डी के पैरेलल हो गया, दो समानांतर रेखा है। एंड जो कि बी डी ग्राउंड है और ए ई ले लेते हैं यहां पे, ए ई, ए ई होरिजोनटल है, सो बी डी जो ग्राउंड का लाइन होगा वो भी पैरेलल होगा होरिजोनटल ए ई का, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट को आपको पेपर पे लिखना है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा सेम होती है, चूंकि ए बी इज पैरेलल टू बी डी, ए बी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी डी इज पैरेलल टू ए ई। सो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम। दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा सेम होता है, इसलिए बी डी और ए ई किसके पैरेलल के बीच में, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका डिस्टेंस भी सेम होगा। सो बी डी बराबर ए ई, बी डी बराबर ए ई। साथ में यहां पे ए बी एक लाइन है और ई डी एक दूसरा लाइन है, ये दोनों लाइन ए ई और बी डी पैरेलल लाइन के बीच में है, तो हम लोग कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ई डी। इतना कर लेने के बाद आपका 100% में से 80% क्वेश्चन हो गया, 60% हो गया, बाकी 40%। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सो अगर ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा 25 हो जाएगा। यहां पे एज्यूम कर लेते हैं लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स है, ठीक है, क्योंकि ये एक्स है और तो ये भी हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये पूरा यहां से यहां तक का लेंथ 35 है, सो
सीई का लेंथ कितना हो जाएगा, 35 माइनस 25 सो 10। सो यहां से सीई लिख सकते हैं 35 माइनस 25 इट इज 10, नाम में भी आप दे सकते हैं 10 मीटर, इतना कुछ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये एक्स और ये एल। तो एक छोटा सा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं हम लोग, ऊपर वाला, चलो जी ले लिया। इस ट्रायंगल में ये एल निकालना है, ठीक है जी, ये एक्स निकालना है, ये एंगल गिवन है थीटा, और ये लेंथ गिवन है क्या, 10। देखो जी ये है क्वेश्चन, इतना जो दिया ना उसका इतना ही सही आंसर आना। क्वेश्चन यही है कि किसी ट्रायंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, लंबाई जो है 10 मीटर है, चौड़ाई सॉरी लेंथ परपेंडिकुलर 10 है, बेस एक्स है और हाइपोटेनस एल है, तो आप बताओ जी क्या क्या होगा, एल और एक्स क्या होगा। सिंपल सा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हमें अगर एक्स फाइंड करना है तो एक्स क्या है, लेंथ डिवाइड बाय ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ है, तो लेंथ डिवाइड बाय ब्रेथ क्या होता है, 10 थीटा। सो इन ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, सी ई सी और यहां पे ई है और यहां पे ए है, तो वी वी कैन राइट सी ए ए, बीच में रखेंगे एंगल वाला पार्ट को, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, 10 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 10, ओवर बेस क्या है एक्स, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, सो दिस इज इक्वल टू 10 ओवर एक्स। यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा, 10 √3, वैल्यू डाल सकते हैं, 10 √3 का मान 1.732, सो दिस इज 17.32 मीटर आ गया जी एक्स का मान। जब एक्स का मान आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, एल का। एल का निकालने के लिए या तो हम लोग एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो चलिए करते हैं पहले इसको। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कितना निकला, ये वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये वाला वैल्यू लेंगे तो फिर मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 10 √3 का स्क्वायर, 10 √3 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा 3 प्लस 1 4, सो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, सो एल का मान √10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, सो 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10, और 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, तो एल इज इक्वल टू 20 मीटर। सो एल इज इक्वल टू 20 मीटर निकल गया पाइथागोरस थ्योरम, हम लोगों ने यहां पे यूज कर लिया, निकल गया, अगर यहां पे स्पेस नहीं आ रहा होगा तो आप समझ लीजिएगा। बट क्या हम कोई दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, कैसे। अब ये है हमारा एल हाइपोटेनस और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो आपके पास बेस भी आ चुका है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनस निकालना है, तो यहां पे हम लोग अगर साइन 30 डिग्री यूज करें, साइन 30 डिग्री इज क्या, साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर दैट इज 10 डिवाइड बाय हाइपोटेनस एल, साइन 30 डिग्री का मान कितना था, 1/2 इज इक्वल टू 10 ओवर एल, हेंस एल इज इक्वल टू 20 मीटर। तो अगर ये वाला यूज करते हैं तो दो लाइन में निकल गया, ये वाला यूज करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा, कॉस का भी लगा सकते हैं आप, वो भी आ सकता है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो ये जो भारी भरकम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो था, बेसिकली ये छोटा सा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हमें ज्योमेट्री का यूज करना था। आई होप आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, कब 10 थीटा लगाना है, कब कॉस थीटा लगाना है, कब हमें साइन थीटा लगाना है, और जो जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो अपने आप दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम आ जाना चाहिए। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ 100 मीटर 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, राइट। यहाँ पे कितना कितना एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इफ अगर वन ऑफ द शिफ्ट इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है मतलब जस्ट दूसरे शिप मतलब एक शिप जो है ठीक उल्टे दिशा में बिहाइंड है, ऑन द सेम साइड ऑफ द
ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, एक शिप जस्ट दूसरे शिप के पीछे है, लेकिन ये दोनों शिप जो है लाइट हाउस के सेम साइड में, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जब भी आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, फिगर। तो देखिए हमने एक ये बनाया, ध्यान से समझ में आ जाएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिगर, ये हमने एक फिगर बनाया, ये ए और ये बी, इसे हमने कहा कि ये हमारा लाइट हाउस है। क्या है, लाइट हाउस है, जिसका हाइट मान लेते हैं एच है, और एच में जो वैल्यू गिवन है, सो दिस इज 100 मीटर, ये 100 मीटर है, ओके। अब इसके बाद कह रहा है कि ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक सिप यहाँ पे मान लेते हैं कि सिप, एक सिप यहाँ पे है और एक सिप यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ए से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ये जो एंगल होगा दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि फिगर में आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि डी एक शिप है और दूसरा शिप ई है, तो डी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री आपको दिखाना होगा, ओके। और कह रहा है कि इफ वन शिप इज एसिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, और दूसरा शिप क्या है, इसके जस्ट पीछे है, यहाँ पे है, और दोनों शिप ए बी से, ए बी के सेम तरफ, उल्टी दिशा में नहीं, ए बी के सेम तरफ में है। तो अब कह रहा है कि दूसरे शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कह रहा है बच्चों कितना, कि वो 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं कि ई से ए को हम लोग यहाँ पे मिला दिया, अब ये जो एंगल है, ये एंगल, ठीक है, ये कह रहा है 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री है, ओके। और कुछ यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कुछ और चीज गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कह रहा है फाइंड करने के लिए, डेट इज डी और ई के बीच का डिस्टेंस कह रहा है फाइंड करना। तो एज्यूम कर लेंगे, लेट जो डिस्टेंस है डी ई, डी ई का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं कि ये एक्स है, ठीक है, ये हम लोगों ने एक्स मान लिया, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स हो गया। और ई से बी, ई से बी मतलब ई शिप से बी तक का डिस्टेंस, मतलब लाइट हाउस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई मान लेते हैं, सो सपोज दिस इज वाई, तो ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे किसका, ट्रांसवर्सल लाइन का। क्या है प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई भी, ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तो ये जो करस्पोंडिंग एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, और ये जो इंटीरियर एंगल होगा, डेट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो अब देखिए अगर ए एम हमारा जो है ये लाइन है जहाँ से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हैं, तो ए एम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ए एम पैरेलल है किसके, डी बी के, डेट इज बी डी का, क्योंकि पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए डी एंड ए ई, ए ई क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब जब ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, सो दिस इज 30 डिग्री, और दूसरा वाला पे कितना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो यहां से हम लोग लिखेंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी, सो दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा एंगल ए ई बी, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, ये दो चीज आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डी ई का लेंथ, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ निकालना, ओके। सो हमारे पास दो ट्राइंगल यहां पे दिख रहा है, कौन कौन सा है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी, तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए ई बी, उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। अब इस ट्राइंगल में ये जो ई बी है क्या है, बेस है, ये वाला चीज हमारा बेस है जो कि वाई है, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, टेन में, सो वी कैन राइट हेयर टेन, एंगल कितना है 45 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, डेट इज एच ओवर बेस, डेट इज वाई,
tan 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1, ये याद रखना है, 1 इज इक्वल टू एच ओवर वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एच इज इक्वल टू वाई, एच किसके बराबर हो जाएगा, वाई के, और जो एच है इसका वैल्यू कितना है 100, तो वाई का मान यहां से हमारे पास आ गया वाई इज इक्वल टू 100 मीटर, ओके, तो वाई का वैल्यू आ गया, समझ में आ रहा है। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू, सो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ट्रायंगल ए डी बी में, अब इस ट्रायंगल में अगेन हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी, सो वी हैव टेन 30 डिग्री, चूंकि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 10 में आता है, 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सो इसलिए 10 लगाएंगे यहाँ पे, सो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइट दैट इज एच डिवाइड बाई बेस, अब यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा डी बी, और डी बी किसके बराबर होगा एक्स प्लस वाई के, अब 10 30 डिग्री का मान होता है 1 ओवर रूट 3, सो दिस इज इक्वल टू एच ओके एक्स प्लस वाई, समझ में आ रहा है बच्चों, दैट इंप्लाइज यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3 इंटू एच, ठीक है, x निकालना है, x का मान क्या हो जाएगा रूट 3 एच माइनस ये हमारा y आ जाएगा, ओके, फिर से थोड़ा सा हम यहां पे ले लेते हैं, इसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं रेड लाइन से, सो x इज इक्वल टू रूट 3 और h बराबर यहां पे क्या निकला y, सो हम लोग एच यहां लिख लेते हैं, वाई के जगह एच लिख लेंगे, यहां से हमें रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, सॉरी यहां से हम एच कॉमन लेंगे क्योंकि एच दोनों में है, तो एच अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1, ओके, और रूट 3 का वैल्यू यहां पे गिवन है 1.732, सो एक्स इज इक्वल टू एच का मान कितना है 100 इंटू 1.732 माइनस 1, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आपके पास कितना जाएगा 1 माइनस 0.732 माइनस 1 करेंगे तो 0.732 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 73.2 मीटर, तो ये जो है 72.3 मीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस और पहले शिप का टावर से बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, ये सारा का सारा सिनेरियो है इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, और ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th के पेपर में जिसका क्वेश्चन पेपर कोड 430-41 है इसमें पूछा गया है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट, यहाँ पे अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव डैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, अब यहां पे एक हमें क्या प्रूफ करना है, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो पहले तो एक सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ये हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ओके, अब कह रहा है कि इस सर्कल के चारों तरफ क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो चलो जी क्वाड्रिलेटरल भी बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ओके, सो सपोज ये हमारा ध्यान से देखेंगे ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल का, ये तीसरा साइड हो गया, अभी यहाँ पे इरेज भी कर देंगे हम लोग जो साइड की जो एक्स्ट्रा पार्ट की जरूरत नहीं होगी, ये चौथा साइड हो गया, ओके, चलिए हम ले इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये तो पूरा चला गया, चलो कोई बात नहीं, इरेज नहीं करते हैं, एक मिनट, दिस इज स्मॉल इरेजर, ये ले लेते हैं, अब यहाँ से ये चीज हो जाएगा, ठीक है, खैर इरेज करना भी जो है ओके, यहाँ से ये क्वाड्रिलेटर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है, ए बी सी डी है, अब अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अपोजिट साइड कौन कौन सा होगा, ए ए बी और सी डी अपोजिट साइड होगा, बी सी एंड ए डी अपोजिट साइड होगा,
ये अपोजिट साइड कह रहा है सर्कल सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, मतलब अगर हम बात करें ए बी, अगर ये एंगल को बना रहा है सेंटर पे, सपोज ये एंगल थीटा, और अपोजिट साइड मान लेते ये एंगल बना रहा है अल्फा, सपोज थीटा है और ये मान लेते हैं बी, मान लेते हैं कि थीटा है और ये मान लेते हैं कि अल्फा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो अल्फा और थीटा होगा, थीटा प्लस अल्फा, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, और सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, वो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हमें यूज करेंगे हम कुछ कंस्ट्रक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे कि जो सेंटर है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंट, एक ये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, हर एक सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे उसके अपोजिट साइड में जो भी टेंजेंट होगा, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा कितने पार्ट में, 8 पार्ट में। अब ध्यान से देखेंगे, कोई भी अगर हम मान लेते हैं कि ये सेंटर O है, ठीक है, और ये C है, और ये हमारा ए बी सी डी के लिए E और F मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो C है, ये जो C है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सी एफ, दैट इज सी एफ इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू सी ई, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो इक्वल होगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। इस चीज को हम लोगों ने थ्योरम में भी देखा था किस तरह से प्रूव करते, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया, ठीक है, ओके। ये एंगल क्या है हमारा, एंगल ओ ई सी, ओ ई सी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ सी। ये दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, राइट। एंड अगर हम ट्रायंगल, यहां पे कौन कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल यहां पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ई सी, ओ ई सी एंड ट्रायंगल ओ सी एफ, ओ एफ सी, ये दोनों ट्रायंगल देख रहे हैं, ओके। ये दो चीज हो गया, और सी ओ, दोनों क्या है, सी ओ सी ओ कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन, कॉमन साइड है, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि ये हो गया राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल हो गया, और ये जो सी ओ है ये कॉमन साइड क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस है, लिख नहीं रहा यहां पे, ठीक है, हाइपोटेनस है, और ये हमारा साइड हो गया। तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी आ गया, राइट हैंड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, सॉरी, ट्रायंगल ओ ई सी एंड ट्रायंगल ओ एफ सी आर क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये एंगल हम मान लेते हैं 1 और ये एंगल हम मान लेते हैं 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मानते हैं फर्स्ट। ध्यान से समझेंगे, अब हमारा बहुत 80% काम हो गया। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल ओ एफ डी एंड ओ डी ए बी सी डी ई एफ जी ले लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे एच ले लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ये एंगल हमारा 2 है, अगर ये एंगल हम मान लेते हैं कि 3 है और ये एंगल 4 है, सेम प्रोपोजिशन यूज करेंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दूसरा आ जाएगा।
सिमिलरली अगर ये एंगल हम 5 मान लें, इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 6 मान लें, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये तीसरा हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे ये एंगल अगर हम 7 मान लें और ये एंगल आप 8 मान लें, तो चार पेयर बन जाएगा ट्रायंगल का, और सभी को हम कॉन्ग्रुएंट सिमिलरली करके एक दिखा देंगे कि यहाँ पे एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाकी सबको सिमिलरली दिखाएंगे। सी ठीक है, सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, सो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब देखिए, जब ये एंगल इक्वल हो गया, सिंपल सा प्रॉपर्टीज अब हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज? एंगल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 360, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सारे एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया, बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ध्यान से देखेंगे एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, सिमिलरली एंगल ये हो जाएगा हमारा क्या कि ये हो गया 2 प्लस 3, एंगल 1 प्लस ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, एंगल 3 प्लस 4 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल, यहाँ से 4 और 5 को लिख सकते हैं 3 और 4 और 5 6 को एंगल 5 लिख सकते हैं, प्लस एंगल हम लोग 7 8 को एंगल 7 लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके ना, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ओके एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर 1 को एंगल 2 लिखे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 एंगल 6 प्लस एंगल 8, ये भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे, या तो 1 2 एंगल 1 ये एंगल, एंगल 3 ये एंगल, एंगल 5 ये एंगल और एंगल 7, मतलब ऑड वाला एंगल भी 180 डिग्री हो जाएगा सम, और इवन वाला एंगल भी 180 डिग्री का हो जाएगा सम। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, ध्यान से देखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अच्छा, ये कैसे हम लोगों ने लिखा, देखिए ध्यान से, ये एंगल 3 और 4, ठीक है, 3 यहाँ पे एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया, एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एंगल 4 की जगह एंगल 3 की जगह एंगल 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। ऐसा करने से क्या हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 एक साथ ले लेते हैं, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये एक साथ ले लेते हैं, सो ये 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल 4 क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये टोटल पार्ट आ जाएगा, डेट इज एंगल BOC, ध्यान से देखेंगे एंगल BOC, एंगल BOC, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा, एंगल AOB, एंगल एंगल AOB OB, ये दोनों क्या होगा 180 डिग्री हो गया। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो करस्पॉन्ड जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉरी, सिमिलरली एंगल ए ओ बी, ये है ना, ये वाला हमने लिया था ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग इस जो क्वेश्चन है ये हम प्रूफ कर लिए इस चीज़ को। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का यूज़ किया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, RHS कॉन्ग्रुएंसी वाला, दो ट्रायंगल को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये 11 का बी पार्ट है, ठीक है,
11 वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था कि इसमें हमें अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग और सर्कल सबस्टैंडर्ड का सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस चीज को हम लोगों ने प्रूव किया था। और इसी का बी पार्ट ये वाला, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एक सर्किल, ये वाला सर्किल क्या हो रहा है, टच कर रहा है एट पी, कहां पे पी कर रहा है, या पी पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एंड इज टचिंग ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस, ए बी को प्रोड्यूस किया तो कहां टच कर रहा है, क्यू पे, एंड ए सी, ए सी को प्रोड्यूस किया आगे की ओर बढ़ाया तो कहां टच कर रहा है, आर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि प्रूव डैट ए क्यू, मतलब ए सी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ए बी सी होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, चूंकि ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ए क्या है, अभी एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां पे देखिए ध्यान से, ए क्या है बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है बराबर होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि ए क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू, ए क्यू इज इक्वल टू ए आर, ए आर, ओके, क्योंकि ए एक्सटीरियर पॉइंट है, सिंस यहां पे लिखेंगे ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर, ये जो लैंग्वेज में आपको लिखना है वो लिख लेना, एक्सटीरियर पॉइंट, ओके। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, बी पी, बी से पी तक का डिस्टेंस, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी भी हमारा क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है, अगेन यहां पे लिखेंगे बी इज एक्सटीरियर पॉइंट, बाहर का पॉइंट है, क्योंकि बाहर के पॉइंट से अगर हम कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। एंड पी सी, ध्यान से देखेंगे, या सी पी कर ले, सी पी इज इक्वल टू सी आर, अगेन यहां पे सी भी जो है हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा, ओके, ये चीज हम लोगों ने कर लिया। तो अब यहां से हमें जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है ए बी, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना ए क्यू, जो होगा वो किसके बराबर होगा, आधा, डेट इज हाफ इंटू ए बी, ए बी, ओके, प्लस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस क्या करना होगा, बी सी प्लस ए सी, ए सी, ये प्रूफ करना है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। चूंकि ए क्यू हम लोग लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, समझ में आ रहा है। अब ए बी को हम लोग ए बी लिख लेते हैं और बी क्यू को हम लोग बी पी लिख लेते हैं, बी पी लिख लेते हैं, डेट इज ए बी, ए क्यू इज इक्वल टू ए बी प्लस बी पी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी, ए सी प्लस पी सी, लिख सकते हैं ए आर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी आर, और सी आर किसके बराबर होगा, पी सी के बराबर होगा, ठीक है। अब हम इस दोनों को ऐड कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, अगर ऐड करेंगे तो ए क्यू प्लस ए आर ऐड कर लिया, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी प्लस बी पी प्लस ए सी प्लस पी सी। अब ध्यान से देखेंगे, बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, सो वी कैन राइट हियर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आ गया। अब ए क्यू बराबर ए आर यहां पे हम लोगों ने किया है, ए क्यू बराबर ए आर, तो ए आर के जगह ए क्यू डाल ले, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टू ए आर के जगह ए क्यू, सो टू ए क्यू बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ, ये क्या है,
sum of all side of triangle. So perimeter, that is of triangle. So AB plus BC plus AC. ये हो गया हमारा proof. बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ये. ओके, तो जब जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही मतलब देखने में टफ लगेगा आपको, बट आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा. सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है. चलिए, दो क्वेश्चन रहता है इस सीरीज में, इस दोनों क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, केस स्टडी का क्वेश्चन है. ओके, तो केस स्टडी का क्वेश्चन है. अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बस आर बिकमिंग पॉपुलर नाउडेज, दीज बसेज हैव द इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन अ बैटरी, इलेक्ट्रिक बसेज हैव अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 280 किलोमीटर विथ जस्ट वन चार्ज. मतलब एक बार चार्ज करेगा तो 280 किलोमीटर तक चल सकता है इलेक्ट्रिक बस. अभी मार्केट में लॉन्च भी हो गया, मैंने देखा भी है. दीज बसेज आर सुपीरियर टू डीजल बसेज एज दे रिड्यूस ब्रेक वियर एंड ऑल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन. ठीक है, तो पॉल्यूशन मतलब नेचर के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है. नाउ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अ सिटी वॉन्ट टू बाई सम इलेक्ट्रिक बस. जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है सिटी का, वो इलेक्ट्रिक बस को खरीदना चाहता है फॉर द सिटी. सो डिपार्टमेंट वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ए डे. तो डिपार्टमेंट चाहता है, जानना चाहता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस का, वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि डेली डिस्टेंस जो है 100 से 200 किलोमीटर, 120 से 140, अच्छा 100 से 200, 120 किलोमीटर में कितने बस जाते हैं? 12 बस जाते हैं. डेटा गिवन है 120 से 140 में 14 बसेस रन करते हैं, 140 से 160 में 8 बसेस, एंड 160 से 180 में 6 बसेस. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा 180 से 210 बसेस कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस. मीडियन डिस्टेंस कह रहा है कि ट्रेवल बाय बस, और उसके बाद कह रहा है फाइंड द मीन एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस. दो पार्ट है क्वेश्चन में, और ये एक्चुअली स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे मीडियन और मीन निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में. चलिए जी, तो यहाँ से हम लोगों ने अभी यहाँ तक अभी क्वेश्चन ही समझा, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे. सॉल्यूशन के लिए हमें डेटा को लिखना होगा. सो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि क्लास इंटरवल. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चलिए यहीं पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, इंटरवल इस तरह से डेटा. उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी. क्लास इंटरवल कितना कितना है? 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160, 160 से 180. क्वेश्चन हम लोगों ने बोर्ड पे भी कर रखा है, मतलब दूसरे टाइप का मीन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं समझाया हूँ वहाँ पे 180 से 200. और जो फ्रीक्वेंसी है बसेस का, वो है यहाँ पे 12, 14, 8, 6, 10. ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. 100 से 120 के बीच में 12, अब 120 से 140 में 14 है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, फिर ये 26 और 8 कितना हो जाएगा? 34, 34 6 कितना हो जाएगा? 40. ठीक है, और 40 10 हो जाएगा 50. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 50, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 50 हो गया. ठीक है, ओके, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लेते हैं, तब हमें मीडियन क्लास निकालना होता है. और मीडियन क्लास क्या होता है, ध्यान समझेंगे. मीडियन क्लास, अब मीडियन क्लास निकालने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी आया टोटल n, हम लोग n बाई टू कैलकुलेट करेंगे. n बाई टू, सो n बाई टू इज 50 डिवाइड बाई टू, सो ये हो जाएगा 25. ठीक है, 25. अब जो 25 आया, ठीक है, 25 से जो n बाई टू है, इससे जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, जस्ट ऊपर वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा, 25 से जस्ट ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी क्या है? 26 है. ये जो 26 है, इसका जो क्लास होगा
वही हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 122 to 140, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको मीडिया ये निकालना है मीडियन क्लास, तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का आधा करना है, और आधा करने के बाद जो आएगा वैल्यू उससे जस्ट अधिक वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है, और जो सबसे नज़दीक होगा, ऐसा नहीं क्योंकि 26 से अधिक 24 भी है, लेकिन सबसे नज़दीक वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा उसे लेना है, उसे हम मीडियन क्लास कहते हैं। एक बार मीडियन क्लास निकल जाएगा फिर हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है हमारा मीडियन का फॉर्मूला? मीडियन का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे और आपको याद रखना होगा, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, ठीक है, डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अभी हम लोग मीडियन ही निकालना, ये चीज निकालना है। ओके, एल क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो L कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट 120, ये हो जाएगा L, ठीक है। N by 2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना? 25, so 25, N by 2 का क्या हो गया? 25, okay। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट आ रहा है CF, CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो ये इस मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 12 है, ये 12 कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है F, ये F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि 20, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि कितना है यहाँ पे हमारा? 24 है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, ओके, सॉरी 14 हो जाएगा यहाँ पे, ओके, मल्टीप्लाई बाई एच। एच क्या होता है? साइज, क्लास साइज, जो कि यहाँ पे 120-140 है, तो एच कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और इसी को हमें कैलकुलेट करना होगा। सो दिस इज 120 प्लस 25 में से 12 जाएगा तो 13 डिवाइड बाई 14, ठीक है, 25 में से 12 जाएगा 13 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 20, इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन से ही हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगा। इसके बाद हमें हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी देखना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, टोटल फ्रीक्वेंसी भी 50 आएगा, और लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड भी 50 आएगा, ये दोनों मैच करेगा। इसका हाफ करना है मीडियन क्लास निकालने के लिए, और हाफ कर, जैसे हमने 50 का हाफ किए तो इससे जस्ट जो वैल्यू आया वो 25 आया, ठीक है। अब इस 25 से जो जस्ट ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा 25 से जस्ट ऊपर वाला, तो ये 25 से जस्ट ऊपर वाला क्या, 26, इसका जो क्लास होगा वहां से हमें मीडियन क्लास निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने मीडियन क्लास यहां से देख लेना है, और मीडियन क्लास निकालने के बाद हमें फॉर्मूला लगाना है मीडियन का, डेट इज एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ, डेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाई बाई एच। थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस निकालने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई ये नहीं गिवन है कि स्टेप डेविएशन से निकालना है या कोई पर्टिकुलर मेथड से। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लास इंटरवल लिख लेंगे, ठीक है, क्लास इंटरवल, ओके। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क, ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम क्लास मार्क्स को आई कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ आई कहेंगे, और इसके बाद हम लोग एक्स आई इंटू एफ आई करेंगे। तो फर्स्ट में जो क्लास मार्क था, क्लास इंटरवल था, वो हमारा यहाँ से फिर से देखना हो, 100 से
120 और 200 तक था, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, 100 से 120, ध्यान से देखेंगे, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से ये 200, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इसको 2 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय 2, तो 100 120 दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो इसके बीच का वैल्यू जो आएगा 115 आएगा, ठीक है। इसका 125 आएगा, इसका 145, 100 से 100 ये 110 आएगा, ठीक है, ये 130 आएगा, ठीक कर लेंगे, इसको 140 कर लेंगे, इसको 150 हो जाएगा, वेट ए मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा 100, ये 110, 130, 150, 170 और ये हो जाएगा 190, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उस फ्रीक्वेंसी को लिखना है, 12, 14, 8, 6, 10, 12, 12, 14, 8, 6, 10 और फिर इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सो 110 मल्टीप्लाई बाई 12, 130 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई बाई 8, 170 मल्टीप्लाई बाई 6 और 190 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा आपको वो वैल्यू यहाँ पे लिख लेना है और जोड़ लेना, क्या करना है, सम करना है, दैट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और ये समेशन ऑफ एफ आई जो कि 50 था, समेशन ऑफ एफ आई क्या था, 50, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। सो मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, मतलब यहाँ पे जो भी जोर आएगा इसको हमें 50 से डिवाइड करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मीन। ये इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर कुछ नहीं आता है, याद नहीं है मेथड हमें, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर केस स्टडी का 13 का क्वेश्चन था ये, बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो गया, दोनों चीज पूछ दिया इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन नंबर 14 को यहीं पे हम लोगों ने कर रखा है इस तरह का क्वेश्चन, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगा। इन ए कंपनी डील इन ए कास्टिंग ऑफ मोल्डिंग ऑफ मेटल ऑन ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम इट्स क्लाइंट, कह रहा है कि मोल्डिंग क्या होता है, मेल्ट कर देते मेटल को और वो तरल पदार्थ में आ जाता है, उसके बाद उसे जमा दिया जाता है। वन सच ऑर्डर कंपनी सपोज टू मेक 50-20-50 ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर, इस तरह का हेमीस्फेयर है माउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस रेडियस एज दैट ऑफ द हेमीस्फेयर, इफ द रेडियस एंड द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज, इफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 15 ट्वाइस। अब देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ना यहीं पे लिख लेते हैं, ये चीज़, ये जो लेंथ है, ये रेडियस जो है, ये कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है, ये जो गिवन है, ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर भी हो गया 21 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट ऑफ कोन हो गया इतना। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस निकालने के लिए, तो सीधा हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस, 50 वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस, 50 के लिए निकालना है, 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एच क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, ठीक है, प्लस इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ ये भी ऐड करना पड़ेगा हेमीस्फीयर का, तो पूरा स्फीयर का क्या होता है 4πr², हेमीस्फीयर का क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस। अब वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 50, यहाँ से हम पाई और आर स्क्वायर ले सकते हैं बाहर, 4 यहाँ आर क्यों आएगा, ठीक है, पाई और आर स्क्वायर, सो पाई बाहर ले लेते हैं, आर स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/3 इंटू
एच और यहाँ पे बच जाएगा आर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे 50 × 22/7, आर का वैल्यू जो है यहाँ पे 21 दो बार देना है 21 और 1/3 एच का वैल्यू जो है वो गिवेन है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना गिवेन है 28 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 21 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 28 सेंटीमीटर, कोन का हाइट है तो यहाँ पे 28 करना होगा मल्टीप्लाई 28 प्लस रेडियस दैट इज 21। अब इसी को कैलकुलेट करके ये वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2π आर क्यू डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3π r² h। दोनों का रेडियस सेम होना है, ठीक है, क्योंकि वो जितना रेडियस स्फीयर का है उतना ही रेडियस बेस हो जाएगा कोन का। नाउ दिस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2r डिवाइड बाई 1/3 × h, ठीक है, यहाँ पे h हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें h का वैल्यू 2r, 2 × r का वैल्यू हो जाएगा 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1/3 × h का वैल्यू 28 सेंटीमीटर। कर लेते हैं कैलकुलेट, 2 × 2 ये 14 बार में, 7 × 7 = 14, 7 * 21। सो अब देखेंगे डेट इज दिस इज इक्वल टू 3, ये ऊपर चला जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। ये रेशियो में है तो यूनिट इसका कुछ नहीं होगा, यूनिट लेस होगा, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ने देखा ये जो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अभी तक हम लोगों ने ये 14th क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। अब इन सारे पेपर को एक साथ कंबाइन करके मैं रिलीज़ कर दूंगा, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देखेंगे जो कि बहुत ही शानदार पेपर है और बहुत ही टफ पेपर है, जो कि 2019 का पेपर है। आप उस पेपर को ज़रूर देख लेना, एक एक क्वेश्चन उसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं और टफ क्वेश्चन भी हैं उसमें। चलिए, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।